प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को इस मिशन की प्रायोगिक परियोजना की घोषणा की थी। फिलहाल राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन संघ शासित प्रदेशों में प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है। मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उसके स्वास्थ्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का राष्ट्रव्यापी लॉन्च करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों के स्वास्थ्य हित में एक सपना देखा, सपना डिजिटल हेल्थ का, जिससे एक ऐसा भारत बने जहां हर भारतीय, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य समाधान के लिए किसी पेपर वर्क, रसीद या किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ना हो। ये बस एक मिशन नहीं, एक संकल्प है। भारत का करना कायाकल्प है। स्वास्थ्य सेवाएं अब होंगी डिजिटल, स्वस्थ होगा भारत का कल। आइए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, स्वस्थ और सुखी भारत बनाएं। 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। साथियों, आज भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस सुधारने का एक आधार बनाया जा रहा है, वो अपने आप में जन सामान्य को एम्पावर कर रहा है। ये अभूतपूर्व है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। अब हम भलीभांति जानते हैं, हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है, 130 करोड़ आधार नंबर,
118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। यूपीआई के माध्यम से कभी भी कहीं भी डिजिटल लेन देन में आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अभी देश में जो ई रूपी वाउचर शुरू किया गया है वो भी एक शानदार पहल है। साथियों, भारत के डिजिटल समाधानों ने कोरोना से लड़ाई में भी हर भारतीय को बहुत मदद की है, एक नई ताकत दी है।